गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल्सो फाइन। सो टुडे वी आर रीड अबाउट आवर स्टोरी पार्ट थ्री। हमने इसका पार्ट वन एंड पार्ट टू रीड कर लिया था, आज हम इसका पार्ट थ्री रीड करने वाले हैं। पार्ट थ्री को स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट टू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ कि कल हमने इस स्टोरी में पढ़ा कि किस प्रकार श्रवण कुमार अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा वाली विश को पूरा करने के लिए उन्हें पालकी में बिठाकर ले जाता है, और जब उनके पिता उनसे कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है तो वे अपने उस पालकी को जंगल में रोककर उनके लिए पानी लेने जाते हैं, और उसी समय राजा दशरथ जो कि अयोध्या के फेमस राजा होते हैं वे उसी जंगल में शिकार के लिए आते हैं, और वे अनजाने में उनसे श्रवण कुमार का शिकार हो जाता है, क्योंकि वे श्रवण कुमार को हिरण समझते हैं और अनजाने में उनसे हिरण की जगह श्रवण कुमार पर तीर चल जाता है और श्रवण कुमार वहाँ पर मूर्छित हो जाता है। तब श्रवण कुमार अपनी आखिरी इच्छा के रूप में राजा दशरथ से कहते हैं कि उनकी आखिरी इच्छा यह है कि वह उनके माता पिता को पानी पिलाए, ये उनकी आखिरी इच्छा रहती है। राजा दशरथ यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और वे ये सोचते हैं, जब वे उसी समय दूर बैठे श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को देखते हैं तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं, और वे सोचते हैं कि वह उसके अंधे माता पिता को ये समाचार कैसे सुनाएंगे कि उनके द्वारा उनके पुत्र की हत्या हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। व्हेन द पेरेंट्स डिड एक्चुअली आस्क अबाउट देयर सन, वी हैड टू टेल व्हाट हैड हैपेंड। व्हेन द पेरेंट्स, जब माता पिता डिड एक्चुअली वास्तव में आस्क अबाउट देयर सन, यानी जब श्रवण के माता पिता वास्तव में उनसे पूछते हैं अपने पुत्र के बारे में, ही हैड टू टेल व्हाट हैड हैपेंड, तो उन्हें बताना था कि क्या हुआ था। यानी जब राजा दशरथ जब श्रवण कुमार के माता पिता को पानी पिलाने के लिए जाते हैं तो उनके जो अंधे माता पिता रहते हैं वे अपने पुत्र को भली भांति पहचानते हैं, और जब उन्हें यह पता चलता है कि यह उनका पुत्र श्रवण नहीं है, ये कोई और है, तो वे उनसे अपने पुत्र के बारे में पूछ लेते हैं। और अब इस समय राजा दशरथ को ये सारी कहानी सुनानी थी कि उन्होंने उनके पुत्र के साथ क्या किया या उनके पुत्र के साथ क्या हुआ। और जब उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता को सारी कहानी सुनाई कि उनसे अनजाने में उनके पुत्र का शिकार हो गया है, यू मे वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हो, इमेजिन मतलब कल्पना, यू मे आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो, द ग्रीफ ऑफ द पेरेंट्स, यानी द ग्रीफ ऑफ दुख की ऑफ द पेरेंट्स, यानी जो माता पिता के दुख की आप बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हो कि जब उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु की ये सारी कहानी सुनी तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा होगा, उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा कि उन अंधे माता पिता का जो एक सहारा था वो भी अब उनके पास नहीं रहा। तो आप कल्पना कर सकते हो कि उन अंधे माता पिता को कितना दुख हुआ होगा। नो काइंड वर्ड्स किसी तरह का शब्द नहीं ऑफ किंग दशरथ, राजा दशरथ, कुड कंसोल देम। कंसोल मीन्स सांत्वना देना या दिलासा देना, देम यानी राजा दशरथ के द्वारा, राजा दशरथ के पास ऐसे कोई शब्द नहीं था जिसके द्वारा वह उन माता पिता को दिलासा दिला सके कि उनका पुत्र अब नहीं रहा। दे थॉट, वे सोचने लगे, कौन सोचने लगे, श्रवण कुमार के माता पिता, दे थॉट वे सोचने लगे दैट कि देयर लाइफ, उनका जीवन वाज यूजलेस, अब बेकार है, वे सोचने लगे कि उनके पुत्र के बिना, क्योंकि उनका पुत्र तो अब मर चुका है, तो उनके पुत्र के बिना उनका ये जो जीवन है ये व्यर्थ है, अब उन्हें जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, यानी जो उनके जीवन का सहारा था, यानी जिसके लिए वे जीते थे, अब वो तो चला गया, इसलिए अब उनका जीवन अब बेकार है, कोई अर्थ नहीं है उनके जीवन का। दे टू डाइड, वे भी मर गए, एज दे वर अनेबल टू टॉलरेट, अनेबल वे असमर्थ थे, टू टॉलरेट बर्दाश्त करने में, वे दुख को बर्दाश्त करने में असमर्थ थे कि उनका पुत्र अब मर चुका है, तो वे भी इसी दुख में मर गए। बट लेकिन बिफोर दे डाइड, लेकिन मरने से पहले, द फादर ऑफ श्रवण के पिता ने प्रनाउंस्ड, उच्चारण किया या अपने अपने मुँह से कहा, ए कर्ज, एक श्राप ऑन दशरथ,
यानी मरने से पहले श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया, यानी उनके मुंह से राजा दशरथ के लिए श्राप निकला। ही सेड, उन्होंने कहा, जस्ट एज वी आर, जैसे कि हम डाइंग मर रहे हैं इन ग्रीफ, दर्द से, यानी जैसे कि हम मर रहे हैं दर्द से, सो विल यू फॉर योर सन, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र के लिए मरोगे, यानी जैसे हम हमारे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, हम हमारे पुत्र से जुदा जुदाई में मर रहे हैं, वैसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे, ऐसा उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों, यू मस्ट लर्न, तुम्हें ज़रूर सीखना चाहिए डेट की, या तुम्हें ज़रूर सीखना चाहिए, तुम्हें याद होगा डेट की दशरथ, जो दशरथ थे, राजा दशरथ थे, एक्चुअली वास्तव में डाइड, मरे इन ग्रीफ ऑफ, दर्द से, ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब पृथककरण या अलग होना, फ्रॉम हिज डियर, अपने प्रिय पुत्र सन लॉर्ड रामा, भगवान रामा। जैसा कि बच्चे आप जानते होंगे कि जो राजा दशरथ की भी मृत्यु किस कारण हुई थी, यानी वे भी अपने प्रिय पुत्र भगवान राम के ही दुख में मरे थे, यानी वास्तव में अपने प्रिय पुत्र भगवान राम से अलग होने के दुख में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कि आपने रामायण में देखा ही होगा कि जो भगवान राम रहते हैं उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, और जो राजा दशरथ रहते हैं, जो कि अपने पुत्र राम से बहुत प्रेम करते हैं, वे उनके पुत्र राम के वियोग में ही मर जाते हैं, और यहाँ पर श्रवण के अंधे माता पिता का श्राप सत्य हो जाता है। तो आपने स्टोरी पूरी पढ़ी, आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और हमें इस स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। अब आपको यहाँ पर ए वाला पॉइंट दिख रहा होगा जिसमें लिखा है, व्हाट मॉरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ श्रवण, यानी आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। वैसे तो हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक मॉरल लिखा है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी हमने इस कहानी से सीखा इज वी शुड रिस्पेक्ट, कि हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए अवर एल्डर्स, अपने से बड़ों का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, एंड और टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स, और हमें हमारे माता पिता की केयर करनी चाहिए, हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, टिल जब तक अवर लास्ट ब्रेथ, यानी हमें हमारी आखिरी सांस तक हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और अपने से बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर पॉइंट बी है, अब आपको ये आपकी बुक में सेम फिल कर लेना है, और पॉइंट बी है, राइट एनी 5 पॉइंट्स डेट शो डेट यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको यहाँ पर 5 पॉइंट लिखने हैं जो कि शो डेट यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, जो कि बताता है कि आप अपने माता पिता की कितना सम्मान करते हो, ऐसे आपको 5 पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं कि आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट के लिए क्या क्या करते हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये मॉरल मैंने मेरे मर्जी से लिखा है, मुझे जो इस स्टोरी से सीखने को मिला वो मैंने लिखा है, अगर आपको इस स्टोरी से कुछ और मॉरल भी मिला हो या कुछ और सीखने को मिला हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी पूरी कंप्लीट होती है, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये ओनली हमारा रीडिंग चैप्टर था, रीड करने के लिए था, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर हमें नहीं दिए गए हैं। सो थैंक यू।